सुपर टेस्टी पनीर की सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल लेंगे। तेल की जगह पे यहाँ पे आप घी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून तेल लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा मिलाना है और साथ ही में इसमें हम प्याज मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए है। थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि जो प्याज है वो जल्दी से पक जाएंगे। अभी गैस के आंच को तेज रखेंगे और प्याज को हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे। प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे पकाना है और इसे आपको लगातार चलाते रहना है। अभी जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे, तो इसे हम साइड में ले लेंगे। अभी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन में हम 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया देना है। इसी के साथ 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही में 12 से 15 काली मिर्च डालनी है। तो यहाँ पे हमें सारे इस प्रकार के बेसिक मसाले डालने हैं। इसे धीमी आंच पे हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इसका जो कलर है वो बदल जाना चाहिए। इसी के साथ जो प्याज हमने रखे हैं उसे भी हम चलाते जाएंगे। अभी आप देख सकते हो धनिया और जीरे पे कलर आ गया है। गैस की आंच को बंद कर देना है। अभी इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार का दरदरा मसाला तैयार कर लेना है। अभी प्याज पे भी अच्छे से कलर आने की सूरत हो गई है। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जब प्याज पे हल्का सा कलर आ जाए तब इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट मिलाएंगे। अब इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे अदरक लहसुन भूनता जाएगा प्याज का जो कलर है वो भी डार्क होता जाएगा। यहाँ पे आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं ये कौन सी सब्जी बना रहा हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर सब्जी है, तो इसका नाम क्या है। अभी प्याज को भूनते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं। आप देखिए इसका जो कलर है वो एकदम बढ़िया हो गया है। तो अभी इसमें हम कटे हुए टमाटर मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए हैं। अभी टमाटर को भी हमें बहुत ही अच्छे से पकाना है। तो टमाटर नरम हो जाए तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। जब टमाटर नरम हो जाए तब इसमें हम टमाटर की प्यूरी मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए थे जिसे क्रश कर लिया है। अभी ये स्टेज पे ये जो ग्रेवी है इसे हम बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। इसी स्टेज पे इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। टमाटर और टमाटर की जो प्यूरी है वो पूरी तरह से पक जानी चाहिए और इसके ऊपर तेल छूट जाना चाहिए, तब तक हमें इसे पका लेना है। अभी आप देखिए इसे चलाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। साइड में तेल छूटने की शुरुआत हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम सारे मसाले करेंगे। यहाँ पे गैस की आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाएंगे। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर मिलाना है, किचन किंग मसाला मिलाएंगे और उसके बाद हमने जो कढ़ाई मसाला तैयार किया था वो 2 टीस्पून जितना मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी मिलाएंगे और साथ ही में मैंने 1 छोटी हरी मिर्च ले वो डाल देंगे। ये डालना टोटली ऑप्शनल है। अभी सभी मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है। अभी मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो ये जो मिश्रण है वो एकदम ड्राई पेस्ट जैसा बन गया है। अभी इसमें हम 1/2 कप पानी मिलाएंगे। तो पहले इसमें हमें पानी मिलाना है और उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच दही मिलाएंगे। तो पानी डालने से ये जो मिश्रण है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा और उसके बाद हम फैटा हुआ दही मिलाएंगे। दही को आपको कंपलसरी फैट के ही डालना है। सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी फिर से इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी मिला लेना है। तो ये जो ग्रेवी है इसमें हम बार बार पानी नहीं मिलाएंगे। अभी इसे हम पकने देंगे। इसके ऊपर पूरी तरह से तेल छूट जाना चाहिए। अभी ये देखिए तेल इसके ऊपर छूट गया है। तो इसमें हम 1 टीस्पून मक्खन मिलाएंगे। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक मिला देना है। नमक हमने पहले भी मिलाया था तो यहाँ पे हम वो ध्यान में रख के मिलाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी ऑलमोस्ट हमारी सब्जी तैयार है। एक छोटी सी प्रोसेस करनी है। तो ये जो ग्रेवी है उसे हम दूसरे बर्नर पे लेंगे। पैन में हम 1 टेबल स्पून तेल लेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम कटी हुई सब्जियाँ मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया जिसे इस प्रकार डाइस कट कर लिया है।
इसी तरह से मैंने एक शिमला मिर्च ली है। तो प्याज और शिमला मिर्च को इस प्रकार हमें टॉस कर लेना है। इसे बिल्कुल भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसे कुक करना है। इसी के साथ इसमें हम लंबा कटा हुआ पनीर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसके ऊपर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और साथ में हमने जो कढ़ाई मसाला बनाया था वो 1 चम्मच जितना मिलाएंगे। अभी पनीर और सब्जियाँ तैयार हो गई है, आखिर में इसमें हम एक टमाटर मिलाएंगे। तो टमाटर हमें बिल्कुल आगे में डालना है, इसे भी हम चला लेंगे। अभी सब्जियों को हम ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे। अभी ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो गई है तो इसे पतला करने के लिए हम गर्म पानी मिलाएंगे। ग्रेवी में 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम मिलाना है। आप चाहो तो घर की मलाई भी ले सकते हो। अभी जो हमने सब्जियां तैयार की थी उसे ग्रेवी में डाल देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से चला लेंगे, पनीर के जो पीसेस है वो टूटने नहीं चाहिए। अभी 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे ताकि इसके ऊपर फिर से तेल छूट जाए। ये लीजिए, पनीर की एकदम मज़ेदार सब्जी तैयार है।